हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज की वीडियो मैं वेदांता लिमिटेड पे लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है, वेदांता लिमिटेड पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि इसके साथ ये इसको नया प्रोजेक्ट मिला है सेमीकंडक्टर का, उसका भी काम करने जा रहा है गाइस। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि देखिएगा इस स्टेटमेंट दिया कंपनी ने कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस के रिगार्डिंग ही बात है। इन्होंने देखिए दो बिजनेस पे ये काम करने वाले थे, तो आईफोन एक सेमीकंडक्टर पे। वहीं अगर देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड, ऐसी वेदांता के नाम की दो कंपनी, एक वेदांता लिमिटेड, एक वेदांता रिसोर्सेज। गाइस वेदांता लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, वेदांता रिसोर्सेज अनलिस्टेड कंपनी है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर की केसेस की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। गाइस देखिए, अभी तक हमें ये तो नहीं पता कि आईफोन का बिजनेस जो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश होने वाला है, उसका जो प्लांट लगने वाला है, वो काम कौन संभाल रहा है, वेदांता लिमिटेड या वेदांता रिसोर्सेज। भाई अगर बात करें हम इस वाले की, कि देखिए गाइस अभी सेमीकंडक्टर तो गाइस इस पे न्यूज़ आई है कि विच वन ऑन द सेमीकंडक्टर बिजनेस वेदांता लिमिटेड और वेदांता रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइस शेयर ऑफ वेदांता लिमिटेड सर्च 10% हायर ऑन सेप्टेम्बर 14, जिससे कि हमें पता था, ठीक है। द कंपनी अनाउंस दैट इट विल बी सेटिंग अप सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात विद फॉक्सॉन एंड द प्रोडक्ट विल बी आउट इन द मार्केट इन 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल बाद, मतलब 2 साल के अंदर अंदर प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट के अंदर। और 14 तारीख को जब ये बात पता लगी थी, तो वेदांता के शेयर में भी आपको देखने को काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली होगी। वही गई जब बात हुई है कि पिछले फरवरी में, जब जैसे कि दिस ईयर फेब में ही कुछ बात हुई थी कि बट लेट्स टर्न द क्लॉक बैक टू फरवरी दिस ईयर, दैट व्हेन द फॉक्सॉन वेदांता जॉइंट वेंचर वाज फर्स्ट प्रपोज, द कंपनी हैड देन क्लैरिफाइड दैट द सेमीकंडक्टर बिजनेस विल बी अंडरटेकन बाय द होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज। जैसे कि जब जॉइंट वेंचर की बात हो रही थी, और जब ये काम प्रोजेक्ट के बारे में रखा गया था, फैब में रखा गया था इसी साल में, तो वो वेदांता रिसोर्सेज के साथ बात हुई थी, ना कि वेदांता लिमिटेड के साथ। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदांता लिमिटेड तो लिस्टेड कंपनी है, बट वेदांता रिसोर्सेज अनलिस्टेड कंपनी है। इट मस्ट भी आपको नोट करना चाहिए कि वॉल्कन इन्वेस्टमेंट इज अ होल्डिंग कंपनी होली ओन बाय द अग्रवाल फैमिली, जो अग्रवाल फैमिली है उसकी होली कंपनी है। एंड इट इज ऑल्सो द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर, वेदांता रिसोर्सेज शेयर होल्डर्स हैं, विच इज लंडन बेस्ड है। एंड द ओन 50% देखिए इनके स्टेक है वेदांता इंडिया में। हाउएवर आप बोल सकते हो कि वेदांता इंडिया वॉल्कन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। वॉल्कन इन्वेस्टमेंट जो है इज अनलिस्टेड, जो कि वेदांता रिसोर्सेज के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। इन एन एक्सचेंज फाइलिंग डेटेड फरवरी 16, इट सेड द प्रपोज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेमी कंडक्टर इज नॉट अंडर वेदांता लिमिटेड। जैसे कि जो प्रपोज बिजनेस का प्रपोजल रखा गया था सेमी कंडक्टर का, वो वेदांता लिमिटेड के अंदर नहीं आता है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट विल बी अंडरटेकन बाय द होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जो कंपनी ने होल्ड करा है उसके अंदर जाएगा। एंड द जो मेन जस्टिफाई है ना रैली इन वेदांता लिमिटेड वाला प्रेस रिलीज फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट डेटेड 13 सितंबर 2013 को सेज दैट वेदांता विल होल्ड 60% ऑफ द इक्विटी इन द जॉइंट वेंचर व्हाइल फॉक्सन विल ऑन, क्योंकि प्रेस के थ्रू हमें पता चला था कि 13 सितंबर को ये वाली बात कि वेदांता लिमिटेड ने मतलब जॉइंट वेंचर करने वाली फॉक्सन के साथ सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, जो फरवरी की न्यूज़ निकाली गई है उसको लेकर आए हैं दोस्त, जिसमें था कि जॉइंट वेंचर विल लुक एट द सेटिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर फर्म इन द प्लांट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज क्लियरली कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वाज मेंशन इन द फरवरी एक्सचेंज नोटिस। तुम फरवरी की जो एक्सचेंज नोटिस है उसमें क्या मेंशन था, वेदांता रिसोर्सेज के बारे में सारा मेंशन था, वेदांता लिमिटेड के बारे में मेंशन नहीं था। गाइस देखिए, जब मैंने बताया था तब इसका प्राइस बहुत हाई था, वहीं आप देख रहे हो 292 से ये प्राइस गिरा है, मतलब 314 तक आ गया था, अब उससे 314 से इसमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में कम से कम पिछले 5 दिन में से 9% तक का रिटर्न दिया था, ठीक है। और वहीं आज ही कितने का गिरावट देखने को मिली, वहीं -6.72% की। गाइज अगर ये क्लैरिफिकेशन भी आ गई कि आईफोन का बिजनेस भी वेदांता रिसोर्सेस ही करने वाला है इफ़, तो गाइज इसके शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, इस स्टॉक पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखें, क्योंकि गाइज जिस तरीके से जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस वेदांता लिमिटेड को ना मिल गया, वेदांता रिसोर्सेज को मिला है, तो आईफोन के बिजनेस पर बात
आती है कि ये किसको मिलेगा, ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा, ये प्रोजेक्ट वेदांता लिमिटेड को मिलेगा या वेदांता रिसोर्सेज को मिलेगा। तो गाइज बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कल तक इसका रिजल्ट आ ही जाएगा, कल तक हम इसका शेयर प्राइस में और गिरावट देखने को मिली जाएगी, तो उसके लिए कम से कम आपको कल तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, तो इसलिए कल तक इस चैनल स्टॉक पर आप नज़र बनाए रखें, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करने का आप सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिली तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इसमें इन्वेस्टमेंट की। बाकी हाँ गाइस, हो सकता है प्रोजेक्ट इसको आईफोन का मिल जाए तो इस प्राइस और भी ज़्यादा आगे भाग सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।